जब बखमुत में यूक्रेन का सीन बना है, क्लाइमेक्स से पहले एक ट्विस्ट सामने आया है। अब फिर यूक्रेन के तेवर बदल गए हैं। कल तक यूक्रेन के सैनिक वापस लौटने की तैयारी में थे, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने वहीं डटे रहने का ऑर्डर दे दिया है। बखमुत में बैकअप फोर्स भेजी जा रही है। अजोव बटालियन अब बखमुत में वैगनर से मुकाबले के लिए आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि अब ये सब लेपर्ड टैंक से मिले हौसले की वजह से हो रहा है। यूक्रेन जल्द बखमुत पर बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है और लेपर्ड टैंक को बखमुत तक पहुंचाने की कोशिश तेज हो गई है। मेड इन जर्मन टैंक लेपर्ड 2 का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन की सेना के लिए ताकत और हौसले का नया बूस्टर डोज साबित हो रहा है। अब बखमुत में पीछे खिसक रही यूक्रेनी फौज ने फिर सीना तानकर आगे बढ़ने की सौगंध ली है। कीव में ज़ेलेंस्की ने लेपर्ड के भरोसे ही वापस लौटने का प्लान कैंसिल कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने वापस लौटने का ऐलान करने वाले अपने कमांडर को हटा दिया है और रूस को बखमुत में फिर ललकारा है। साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की नहीं छोड़ने वाले हैं बखमुत की जिद। बखमुत पर कब्जे के लिए पुतिन भी नहीं छोड़ना चाहते कोई कसर। नतीजा, हर दिन बदरंग होती बखमुत की इमारतें। हर दिन बहता खून है और हर नए दिन के साथ बखमुत में आग और धमाकों से काली होती जमीन। बखमुत में रूस की सेना का चक्रव्यूह का एक तिहाई हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी ज़ेलेंस्की को पासा पलटने की उम्मीद है। ज़ेलेंस्की के 7,000 सैनिक अब बखमुत नहीं छोड़ेंगे। बखमुत में बढ़त हासिल करने के लिए नए सैनिक जाएंगे। बखमुत तक लेपर्ड टैंक से लैस दस्ते को पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई है। वापस लौटने का ऐलान करने वाले कमांडर को ज़ेलेंस्की ने बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की के इस कॉन्फिडेंस के पीछे अमेरिका और नेटो का हाथ माना जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूस में ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुतिन के बखमुत की जीत के ख्वाब को भी चकनाचूर करने की तैयारी है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना बखमुत की मेन सप्लाई रोड के बेहद करीब। आप ये बखमुत को देख रहे हैं, बखमुत के अंदरूनी जो हिस्से में उससे ज्यादा लड़ाई चल रही है ख्रुमो में, जो बखमुत का बाहरी हिस्सा है। ये पूरा बखमुत का इलाका है और यहां पर देखिए ये आता है चेसिवियार, जहां पर खबर है कि लेपर्ड 2 टैंक यहां पर मौजूद है। ये यहां से, ये आप जो देख रहे हैं, एक यहां से नेशनल हाईवे जाता है बखमुत और यहां से ऊपर एक स्टेट हाईवे आता है जो जाता है चेसिवियार से बखमुत। अब हो कहां रहा है ये देखिए, यहां पर ये जो इवानिव्स्क है, यहां पर रूस की सेना बहुत बड़ी तादाद में पहुंच चुकी है जो नेशनल हाईवे से मात्र 700 मीटर की दूरी पर है। और ये जो T-0504 है, इसी नेशनल हाईवे पर कब्जे की जुगत में है यहां पर रूस की सेना, ताकि जो सप्लाई लाइन है यहां से जो चेसिवियार से बखमुत जा रही है, इसको वो कब्जा कर ले। इसकी वजह रूस को मिली खुफिया जानकारी, जिसके मुताबिक यूक्रेन की सेना लेपर्ड टैंक के साथ चेसिवियार के इलाके में मौजूद है और यहीं से वो बखमुत की तरफ बढ़ रही है। मकसद यह है कि अगर ये नेशनल हाईवे उनके पास आए, ये यहां पर हैं अभी, तो यहां से वो स्टेट हाईवे को तबाह कर सकते हैं। जब ये स्टेट हाईवे तबाह होगा तो लेपर्ड 2 टैंक यहां तक आ नहीं पाएंगे और फिर जो ख्रुमो, जहां पर प्रचंड युद्ध जारी है बखमुत, इस पर रूस का कब्जा हो सकता है और ये कब्जा हुआ तो यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बखमुत के मेन रास्तों पर वैगनर फोर्स और रशियन आर्मी का कब्जा है। ऐसे में यूक्रेन के सैनिकों के पास सिर्फ जंगल और खेतों का रास्ता बचा है। यूक्रेन के सैनिक दावा कर रहे हैं कि बखमुत में हालात सरकारी रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर ज़ेलेंस्की ने यहाँ बैकअप फोर्स भेजने का फैसला लिया है। रूस की सेना बखमुत का नदी के करीब पहुंच गई है। रूस की सेना ने नदी पर बने पुल को उड़ा दिया है। पुल टूटने से यूक्रेन के कई सैनिक उस इलाके में फंस गए।
रूस के सैनिक जल्द से जल्द बाखमुत के बड़े इलाके पर कब्जा करना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मेड इन जर्मन टैंक का लगातार मूवमेंट है। रूस को पूरी उम्मीद है कि बाखमुत को बचाने के लिए सिर्फ जेलेंस्की ही रणनीति नहीं बना रहे बल्कि अमेरिका और नेटो भी पुतिन को इस जीत से दूर रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में लेपर्ड टैंक से बाखमुत में जबरदस्त पलटवार की उम्मीद की जा रही है। यूक्रेन के अजोव रेजिमेंट ने यह वीडियो जारी किया है। दावा है कि अब जेलेंस्की ने बाखमुत को बचाने की कमान अजोव लड़ाकों को सौंप दी है। ये वही ग्रुप है जिसने मारियोपोल में रशियन सैनिकों को कड़ी टक्कर दी थी और जीत बार बार आकर फिसल जाती थी। अजोव यूक्रेन की सेना का रेजिमेंट है। थर्ड सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड बन चुका है। अजोव ब्रिगेड को बाखमुत भेजा गया है। अजोव फाइटर्स का बाखमुत पहुंचने का एक ही मतलब है कि अब तबाही और बड़ी होगी। ऐसे में उम्मीद है कि अब बाखमुत में वैगनर्स का मुकाबला अजोव लड़ाकों से होगा। वैगनर्स की नई बटालियन भी बाखमुत पहुंच चुकी है और रूस यहां किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने पर तुला है, लेकिन बार बार जीत हाथ में आकर फिसल रही है। सॉलिडर पर कब्जे के बाद रूस को बाखमुत मिशन बेहद आसान लग रहा था, लेकिन यूक्रेन ने यहां भी रूस के सैनिकों को कड़ी चुनौती दी। अब बाखमुत में या तो रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों का नरसंहार करेंगे या फिर लेपर्ड से जोरदार प्रहार होगा और बाखमुत में पासा पलट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।